Hey guys, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Glam You. So hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे हेयर रिलेटेड मिथ्स के बारे में जिसको सुन के हम अपने बचपन से बड़े हो चुके हैं और आज भी हम उन बातों पर विश्वास करते हैं. हाँ जी, तो ऐसे कुछ मिथ्स हैं जो हमारे आसपास बहुत टाइम से हमारे आसपास घूमे जा रहे हैं और हम उन सारे मिथ्स पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं. हम सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमारी नानी ने हमें बोला, हमारी मम्मी ने हमें बोला, तो वाकई वाली जो बातें हैं वो सही है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी मम्मी या हमारी नानी हमें जो एडवाइस कर रहे हैं वो गलत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं और उसको हम भी सुन रहे हैं और हमने भी उस पर बिलीव कर लिया बिना ये सोचे समझे कि क्या वो सच है. तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं बालों से रिलेटेड, तो आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कर देना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट, और जो छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख पाएं. सो मिथ नंबर वन ये है कि सफ़ेद बाल को तोड़ना नहीं चाहिए. क्या रीज़न है? आई एम श्योर हम सब ने ही यही सुना होगा कि सफ़ेद बालों को अगर तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ पानी निकलता है. अगर वो पानी आपके बाकी हेयर्स पे लग जाता है तो आपके बाकी जो हेयर है, जिस जिस बालों पे वो पानी लगेगा वो बाकी बाल भी आपके सफ़ेद हो जाएंगे. लेकिन नहीं, ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है. होता क्या है, बाल हमारे सफ़ेद क्यों होते हैं? हमारे हेयर्स में एक मेलानिन नाम का पदार्थ होता है जो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेलानिन हमारे उसमें से कम हो जाता है. तो होता क्या है, मेलानिन की कमी की वजह से हमारे जो बाल हैं वो वाइट होने लग जाते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब आपको अपने सर में सफ़ेद बाल दिखे तो उसे बजाय काटने के उसको खींच के तोड़ भी सकते हैं, तो भी कुछ नहीं होगा, आपके बाकी के सारे बाल सफ़ेद नहीं होंगे. और मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं नहीं ट्रिम करती ना मैं काटती हूँ, तो मेरे बाल तो अभी भी टच वुड मतलब ब्लैक ही हैं, वाइट नहीं हुए. उसकी वजह से कई बार हो जाते हैं वाइट. होता क्या है ना, ऐसा भी कहा जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं. कई बार ऐसा है कि पानी भी एक रीज़न होता है बालों का वाइट होने का, क्योंकि कई बार खारा पानी होता है, खारे पानी से आप अपने बालों को धो रहे हो. इवन खारे पानी से तो नहाने से आपके शरीर, आपका जो बॉडी है वो भी ड्राई हो जाता है, बॉडी स्किन भी ड्राई हो जाती है, तो बाल तो कुछ है ही नहीं, बाल भी वाइट होने लगते रहते हैं ऑफकोर्स. लेकिन ये मिथ गलत है कि इस बालों में से पानी निकलेगा और सबके बाकी सारे बाल भी सफेद हो जाएंगे. तो नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले बिल्कुल भी घबराना नहीं है. देन जो मिथ नंबर टू है वो ये है कि डैंड्रफ सिर्फ ड्राई स्किन वालों को होता है. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा हम सब ने सुना होगा कि डैंड्रफ सिर्फ ड्राई स्किन की वजह से होता है, ऑयली या नॉर्मल स्किन जिनकी होती है उनको डैंड्रफ नहीं होता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डैंड्रफ किसी को भी हो सकता है. ये नहीं पर्टिकुलरली है कि ये सिर्फ ड्राई स्किन वालों को होगा, नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन वाले लोग भी इसको फेस करते हैं. इवन मेरी स्किन नॉर्मल है तो मेरी मेरे को भी कई बार डैंड्रफ हो जाता है. लेकिन डैंड्रफ को हटाने के काफ़ी सारे तरीके भी हैं, आप वो अपना सकते हैं जिससे आपका जो डैंड्रफ है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा. लेकिन सिर्फ क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है इस वजह से आपको डैंड्रफ हो रहा है तो ये वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है. मिथ नंबर थर्ड, हेयर पे जितना ज़्यादा कॉम्ब करोगे आप, आपके बाल जो हैं उतने लंबे होंगे. क्यों? लोग ऐसा एग्जांपल देते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन, आप बालों में कॉम्ब करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा. इवन अगर मैं आपको सही बताऊं तो कुछ टाइम पहले तक मैं खुद भी इस बात को फॉलो करती थी. मैं अपने बालों में बहुत ज़्यादा कॉम्ब करती थी कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से मेरे बाल जो हैं वो लंबे होने लग जाएंगे. लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. अगर आप बालों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्ब करोगे तो आप क्या होगा, आपके बाल टैंगल होंगे, डिटैंगल होंगे. तो टैंगल डिटैंगल होने की वजह से आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं. तो कि बाल बढ़ने तो नहीं वाले हैं लेकिन हाँ टूट जाएंगे, ये बात पक्की है. तो नेक्स्ट टाइम बालों में बहुत ज़्यादा कॉम्ब नहीं करना, बालों में दो बार कॉम्ब करना इज मोर देन इनफ. तो आप सिर्फ दो बार कॉम्ब करें उतना काफ़ी है. और हाँ, जब आपको लगे कि बहुत ज़रूरत है मेरे को कॉम्ब करने की, आप तब भी कॉम्ब करें. लेकिन बार बार अननेसेसरी कॉम्ब करना इज रॉन्ग, इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाए नेक्स्ट टाइम से. देन जो नेक्स्ट है वो है कि कंडीशनर को अपने बालों में ना बिल्कुल ऐसे भर भर के लगा लो, उससे क्या होगा, आपके बाल जो है बहुत ही सिल्की शाइनी हो जाएंगे. जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. कंडीशनर को हमेशा, कभी भी कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए. आपको कंडीशनर हमेशा यहाँ से लगाना चाहिए, जो आपके ये वाले हेयर्स हैं इन पे लगाइए. कभी भी कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, और कभी भी गलती से स्कैल्प पे लगा के इस तरीके से मसाज करने की गलती मत कर लीजिएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, बाल टूटने लग जाएंगे. तो इस बात का नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा कि कंडीशनर को हमेशा यहां से लगाइएगा, स्कैल्प पे कंडीशनर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बाल जो है नुकसान होगा. मिथ नंबर नेक्स्ट,
बालों को ट्रिम करने से बाल बढ़ते हैं. कैसे कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि बाल ट्रिम कहाँ से होते हैं? बाल ट्रिम होते हैं नीचे से, बाल बढ़ते हैं ऊपर से. तो फिर बालों को अगर आप ट्रिम करोगे तो बाल कैसे बढ़ेंगे? तो बालों को ट्रिम करने से बाल बढ़ते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये वाली चीज़ है कि अगर आप बालों को ट्रिम करते रहोगे तो आपके बाल बहुत हेल्दी दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, क्योंकि स्प्लिट सेंड्स नहीं दिखाई देते. लेकिन अगर आप अपने बालों को इसलिए ट्रिम कर रहे हो क्योंकि मैं ट्रिम करूँगी तो मेरे बाल बढ़ेंगे, तो ये वाली बात जो है वो बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट मिथ ये है कि अपने बालों को आपको बहुत ज़्यादा वॉश करते रहना चाहिए. हफ्ते में 3 दिन करो, 4 दिन करो. नहीं, आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए. अगर बालों को बहुत ज़्यादा वॉश करोगे तो आपके बालों के अंदर जो नेचुरल ऑयल है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा. और नेचुरल ऑयल जब कम हो जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, हमारे बालों को नुकसान होगा, हमारे बाल हेल्दी नहीं रहेंगे, जिससे हमारे बाल वापस से टूटेंगे और आपको आपके जो बाल हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगे. तो बालों को बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं वॉश करना है. बट हाँ, अगर आपको जरूरत लग रही है कि अपने बाल धोने चाहिए तो ऑफकोर्स आपको अपने बाल धोने चाहिए. आप बाहर गए हैं, धूल मिट्टी लग गई है, आपने आज बाल धोने तो आप कल भी बाल धो सकते हैं क्योंकि आपके बाल गंदे हो गए हैं. लेकिन इस वजह से बाल धोना कि बालों को बहुत ज्यादा धोना अच्छा होता है, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन भी बाल धोने चाहिए, ये बात गलत है. जब रिक्वायर्ड हो उसी टाइम पे बाल धोए. ये थे वो कुछ हेयर मिथ्स जिनको हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं. इवन मैं खुद भी कर रही थी. मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं फॉलो नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है नहीं, मैं खुद भी फॉलो कर रही थी. बट कुछ टाइम पहले जब मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में देखा और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो आई कम टू नो कि ये सारे जो मिथ्स हैं वो वाकई में मिथ्स ही हैं. होप आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट. और वो जो छोटू सा बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए. टिल देन अपना ध्यान रखिए, बालों को मिथ्स को अपने से दूर भगाइए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो या फिर ब्लॉग के साथ. टिल देन थैंक यू, बाय.